दिवाली का समय था। मैं एक बड़ी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय का जॉब करता था। अब दिवाली का समय था, मुझे भी अपने घर को छुट्टी में जाना था, तो मैंने सोचा चलो 2-4 रात पूरी नाइट भी कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी और दिवाली भी सेलिब्रेट हो जाएगी। और वैसे भी दिवाली के कारण कंपनी नाइट में अच्छा इंसेंटिव भी दे रही। डिलीवरी करते करते करीब रात के 2 बज गए। अब मैं थक भी गया था, पर मैंने सोचा चलो एक दो डिलीवरी और कर लेते हैं, इसलिए मैंने ऐप नहीं बंद करी और अगली डिलीवरी का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरे मोबाइल पे न्यू ऑर्डर का मैसेज आया। मैंने देखा ऑर्डर सेक्टर नंबर 7 का है। वैसे तो मैं सेक्टर नंबर 7 के बारे में ना मैंने कभी सुना था ना कभी मैं वहाँ गया था। अब ऑर्डर आया है, इसका मतलब सेक्टर नंबर 7 होगा ही। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, पिज्ज़ा लेकर डिलीवरी को चल दिया। एक अजीब सी बात, जब मैं डिलीवरी के लोकेशन को चेक किया, गूगल मैप भी उसे सही से नहीं बता पा रहा था, वो केवल सेक्टर नंबर 6 तक दिखा रहा था। खैर, मुझे डिलीवरी करनी थी तो डिलीवरी ऐप में उसका एड्रेस था, तो मैं एड्रेस से उसके ओर चल पड़ा। करीब 25 मिनट में मैं लोकेशन के पास पहुंच गया। मैंने कस्टमर को कॉल लगाया, नंबर तो जैसे एग्जिस्ट ही ना करता। मेरे मन में चिंता होने लगी, कहीं ये ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, एक इंसेंटिव मारा जाएगा। यही सब सोचते हुए मैंने दोबारा नंबर लगाया, तब भी उसका नंबर नहीं लगा। तभी मुझे दूर से एक अजीब सा इंसान आता हुआ दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उसके पास जाकर सेक्टर नंबर 7 के लोकेशन के बारे में पूछा। उसका चेहरा तो साफ नहीं दिखा, बस इतना लगा करीब वो 60 से 65 साल का होगा। उसने धीरे से हाथ का इशारा कर दूर पार्क के पास की एक गली में जाने को कहा। मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए जल्दी से उसे थैंक्स बोला और सेक्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ गया। सेक्टर नंबर 7 पहुंचकर बड़ा ही अजीब सा लगा, वहां पे सारे घर लगभग एक ही जैसे थे। मैंने फिर से खड़े होकर कस्टमर को फोन लगाया, जैसा पिछली बार हुआ था इस बार भी यही हुआ, उसका फोन लगा ही नहीं। खैर, मैंने अपनी ऐप से घर का एड्रेस चेक किया और घर की नंबर प्लेट देखते हुए उसकी घर की तरफ बढ़ने लगा। साथ में ये चिंता भी लगी थी ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। खैर, जैसे तैसे मैं बिल्डिंग पहुंच गया। बिल्डिंग पहुँच कर मैंने गेट को खोला। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, करीब 5 माले की होगी। केवल नीचे के एक माले में लाइट जल रही थी, बाकी सारे माले अंधेरे में डूबे हुए थे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, सब लाइट बंद किए हुए हैं तो ऑर्डर किसने किया होगा। ये सोचते हुए मैं बिल्डिंग के अंदर चला गया। अब मैं सीढ़ियों के पास पहुंच गया और झांक कर ऊपर देखा तो चौथे माले पर हल्की रोशनी दिख रही थी। मन को शांति भी मिली, चलो वहां कोई है तो शायद यही ऑर्डर मेरा लेगा, और मैं तेजी से कदमों के ऊपर चढ़ गया। चौथे माले पहुंचकर मैंने देखा वहां सारे फ्लैट में अंधेरा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वहां कोई रहता है। हर तरफ धूल ही धूल थी, बस एक बीच वाले फ्लैट में ही बहुत धीरे सी लाइट जल रही थी। खैर, मैं जल्दी से उस फ्लैट के गेट के सामने पहुंचा, पर मुझे एक बहुत तेज झटका लगा। जैसे ही मैंने गेट को खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही एक आदमी ने दरवाजा खोल दिया। मेरी निगाहें एकदम अंदर की तरफ गई। सामने साफ सोफा दिख रहा था और कमरे में बहुत धीमी लाइट जल रही थी। खैर, मैंने बोला, सर ये आपका ऑर्डर है, प्लीज पेमेंट कैश में कर दीजिएगा। इस पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और धीरे से हाथ का इशारा किया और दरवाजा बंद कर अंदर चला गया। अभी उसको गए करीब मुश्किल से 5 सेकेंड ही हुए होंगे, मेरे फोन में फिर से नोटिफिकेशन आई। मैंने मोबाइल निकाला और देखा एक ऑर्डर और आया है। मैंने जल्दी से ऑर्डर को एक्सेप्ट किया और दरवाजा खटखटाने लगा। 2-3 बार खटखटाने के बाद आंसर ही नहीं आया। मैंने भी हिम्मत कर दरवाजे को खोला। अचानक मुझे तेज झटका लगा, हर तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा। मैंने जल्दी से अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाई और दरवाजे को कस के धक्का मारा। दरवाजा धीरे धीरे करके खुला।
देखा अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे लग रहा था फ्लैट में कोई रहता ही ना हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया जैसा भी है जल्दी से यहाँ निकलो, जाने दो पैसे को। मैं बहुत तेज कदमों से वापस लौटा, पर एक बात और चौंकाने की थी। अभी आते वक्त जो जीने साफ दिख रहे थे, अब वो इतने गंदे थे जैसे उनमें सालों से कोई चला ही ना। मैं बहुत तेजी से बिल्डिंग के बाहर आया और बाइक उठाकर उस एरिया की बाहर की तरफ चल दिया। अभी मैं सेक्टर 7 के बाहर ही पहुंचा था, तभी मुझे वहां से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। पता नहीं मैंने क्या सोचा, गाड़ी उसके पास रुकी और उससे पूछा, भाई ये सेक्टर नंबर 7 बड़ा अजीब सा है। उस इंसान ने मुझे ऐसी दृष्टि से देखा जैसे कोई भूत हो और बड़े गुस्से से बोला, क्यों पी के टल्ली होके काम और धंधा करते हो यार, चलो जाओ यहाँ से, सेक्टर नंबर 7 तो है ही नहीं। मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई, मैंने पलट कर भी नहीं देखा और बाइक लेकर सीधे अगली डिलीवरी को चला गया। पर मेरे दिमाग में रह रहकर वही सेक्टर नंबर 7 की बिल्डिंग और उसके आदमी का चेहरा लगातार गूंज रहा था। ऑर्डर सारे कंप्लीट करने के बाद मैं घर चला गया। सुबह जब मैं उठा और थोड़ा नॉर्मल भी हुआ तो सबसे पहले मैंने मोबाइल चेक किया तो देखता क्या हूँ, वो सेक्टर नंबर 7 वाली कोई डिलीवरी है ही नहीं। उसकी जगह वो डिलीवरी है जो मैंने उस बिल्डिंग में एक्सेप्ट करी थी। मैंने तुरंत फूड डिलीवरी वाले को कॉल लगाया और सेक्टर नंबर 7 की डिलीवरी के बारे में पूछा। वो बोला, भैया ऐसी कोई तुमने डिलीवरी करी ही नहीं। अब मेरा दिल और दिमाग दोनों ही हवा में उड़ रहे थे। मैंने तुरंत बाइक निकाली और सेक्टर नंबर 7 की तरफ चल दिया। सेक्टर नंबर 6 के पास पहुँच कर देखा तो वहाँ कोई गली ही नहीं थी, जबकि सामने जंगल था। मैंने वहाँ कई लोगों से पूछा, सब ने एक बात ही बताई, सेक्टर नंबर 7 जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आखिर मैं क्या सेक्टर 7 गया था? वहाँ रास्ते में जो इंसान ने इशारा कर मुझे बिल्डिंग बताई और जिसने मुझसे खाना लिया, क्या वो आत्मा थे? ऐसे तमाम सवाल आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सारे सवाल मेरी जिंदगी के अनसुलझे सवाल बन के रह गए हैं और समझ के परे हैं। अब मैं रोज इन्हीं सवालों के बारे में सोचता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।